मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के पंचायत नामा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त बिहार न्यूज की टीम पहुंची है पडरौना पंचायत में, जहां पे मुखिया प्रत्याशी है, जो निवर्तमान मुखिया है, पहले भी मुखिया रह चुके किरण देवी जी हैं और उनके पति राज बल्लम पर्वत जी हैं। और इस वक्त इन्होंने नामिनेशन किया है। सबसे पहले मैं ही से बात करते हैं, आपको बिहार न्यूज की तरफ से सबसे पहले शुभकामनाएं, आपने नामिनेशन किया है, आपको भी बधाई है। पहले भी आप मुखिया रह चुकी है, फिर से नॉमिनेशन की है, क्या कहेंगी, किस मुद्दों के साथ आपने नॉमिनेशन किया है? विकास के साथ। क्या आपने इसके पहले जब मुखिया हैं तो क्या कुछ विकास किया आपने पंचायत? जी, विकास बहुत किए हैं, जनता की भी सेवा किए हैं, विकास भी किए हैं, इसीलिए जनता हमको चाहता है ये फिर से मुखिया बने। फिर से मुखिया बनेंगी तो ऐसा कौन सा अधूरा काम है जो पहले आपने पूरा नहीं किया अब करेंगी? जो काम पूरा नहीं हुआ है वो पूरा करेंगे, जनता की भी सेवा करेंगे। क्या जनता से कहेंगी, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही करेंगे, हमको मांग ऐसी कीजिए, फिर से हम आपको सेवा करेंगे, विकास जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। चलिए, उनके पति हैं जो इनके प्रतिनिधि भी हैं, उनसे बात करते हैं। आज आपने नॉमिनेशन किया है फिर से मुखिया पद के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? हम विकास के मुद्दा पर लड़ते हैं, विकास करेंगे, मेरा यही प्रणबद्ध है कि हम विकास करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्या क्या विकास किया आपने पाँच सालों में? नली गली किए हुए हैं, पीसीसी किए हुए हैं, मनरेगा से सड़कों को बनाए हैं, गांव में जो चौर है, बांध है, उसको बनवाए हैं, विकास किए हैं, जनता में हमें विश्वास है, आज जनता हम पर विश्वास करती है, हमें उम्मीद है कि फिर पुनः हमें जनता लाएगी। फिर आपने ऐसा जो पिछला आपका कार्यकाल रहा है उसमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो अधूरे हैं और उससे पूरा करना है? बहुत ऐसे गाँव मोहल्लों में अभी सड़क बाकी अधूरे हैं, जो निजी जमीन में बाकी है उसको किसी तरह आर्जी विनती करके उसको निकालना मेरा कर्तव्य है। नल जल योजना की आप बात करते हैं, देखा जाए तो हर जो भी मुखिया प्रत्याशी है चाहे मुखिया है वो अपने नल जल योजना कार्य को बताते हैं कि संपूर्ण अच्छे तरीके से हुआ है, लेकिन जब पंचायत में जाया जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ खामियाँ देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है कि आपकी पंचायत में नल जल योजना का काम पूरे तरीके से हुआ है? जी, मेरे में 11 नल जल का काम हुआ है, 11 में नल जल पानी गिर रहा है, सभी लोगों को घर घर पानी मिल, जी सबको घर को पानी मिल रहा है, वृद्धा पेंशन राशन कार्ड किया, वृद्धा पेंशन 1000 के आसपास हम कराए हैं, राशन कार्ड 3700 कराए हैं सबका, 5% राशन कार्ड बाकी है, 95% जनता का राशन कार्ड उपलब्ध कराए। गांव में अक्सर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं गांव की वो शौचालय के लिए सड़कों पे आती है और ODF मुक्त, ODF करने के लिए बहुत सारे पंचायत कहते हैं कि मेरा ODF हो चुका है गांव, लेकिन अभी भी महिलाएं सड़कों पे शौचालय के लिए आती है। जी, अभी हमारे यहाँ परसेंटेज कम है, बहुत अच्छा शौचालय का प्रोग्रेस रहा, मोदी जी का जब प्रचलन चला तो उसमें हमारे पंचायत में लगभग 20% और आगे 80% लोग शौचालय ही यूज कर रहे हैं, 20% लोग वंचित हैं, उसको हम शौचालय बनाएंगे। चलिए, जनता अगर फिर से आपको दोबारा चुनती है आपकी पत्नी को तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि जो गांव में गलियों नील में जो सड़क बाकी है और शौचालय, ये मेरा दो मुख्य उद्देश्य है कि शौचालय कोई बाहर ना जाए मेरे पंचायत में, ये मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से अपील यही करेंगे कि जनता मुझ पर विश्वास करती है, विश्वास करती रहेगी और विश्वास के साथ हमारा मदद करें, हम उसका साथ देंगे। चलिए, पडरौना की जो मुखिया है, वर्तमान मुखिया और अभी मुखिया प्रत्याशी भी है, उनके प्रतिनिधि थे, उनके हस्बैंड थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने विकास का काम किया है और जनता उन पर विश्वास करती है और जनता फिर से उन्हें मुखिया बनाएंगी। अब देखना है कि आने वाले समय में जनता इनको लेकर कितना गुलबन देती है। सहयोगी आशीष के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।